पंजाब के मुक्तसर में गिद्दड़बाहा विधानसभा उपचुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने किसानों की तुलना तालिबान से कर डाली। रवनीत बिट्टू ने किसानों पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी का विरोध किसान नहीं बल्कि कुछ किसान नेता कर रहे हैं। बता दें कि पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान है। ये सीटें गिद्दड़बाहा, बरनाला, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल है। बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस नेता ही किसानों को भेजते हैं, किसान के बड़े नेताओं की जमीन चेक करवाई जाएगी। उपचुनाव के बाद बात करेंगे कि ये किसान थे तब इनकी जमीन कितनी थी और अब नेता बनकर कितनी जमीन हो गई है। प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं को चेतावनी देते हुए बिट्टू ने कहा कि उपचुनाव के बाद उनकी संपत्तियों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं की ये जांच उनके किसान नेता बनने के बाद की संपत्ति की जाएगी। इसके साथ साथ मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शनिवार को किसान नेताओं की जमीन और अन्य संपत्तियों की जांच की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उनमें से कई या तो आड़तिया या चावल मिल मालिक हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम कई किसान नेताओं की भूमि एवं संपत्ति की जांच करेंगे, हम उपचुनाव के बाद इस बारे में बात करेंगे। बिट्टू ने कहा कि किसान नेता खुद आड़ती या शेलर मालिक बन गए हैं और अब पंजाब में खाद ला रही ट्रेनों को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो तालिबानी बन गए हैं। रवनीत बिट्टू ने पंजाब के किसानों को लेकर बयान दिया कि कुछ किसान नेता ही बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, बाकी किसान बीजेपी के हक में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की जांच होनी चाहिए, ये किसान नेताओं को तालिबानी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की जांच करने के लिए रोका किसने है, वो जब मर्जी जांच कर सकते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। चुनाव के बाद की बात छोड़ो, चुनाव के बीच ही जांच कर लेनी चाहिए।